हाँ तो भाई कैसे हो सारा है, वो आप सब मस्त होंगे और काफ़ी बढ़िया होंगे। तो आज के ट्यूटोरियल होने वाले हैं 3D लूट ऐप की मदद से कुछ इस तरीके का आप अपने फोटो के बैकग्राउंड में कलर टोन इफेक्ट कैसे ला सकते हो और PNG कैसे ऐड कर सकते हो। तो वीडियो का आपको एंड तक वॉच करना है और यार वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना और चैनल पर कोई नया भाई आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आपका भाई जब भी कोई वीडियो डाले तो आपका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और मेरे भाई अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर सकते हो, आपको ऊपर नाम दिख रहा होगा तो जाओ फॉलो कर लो, आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। तो मैंने काफ़ी दिन पहले एक यार ये वीडियो डाला था आप 3D ऐप के बारे में, तो आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया था, 64K के ऊपर इसके व्यूज चले गए और काफी अच्छा आपका रिस्पॉन्स मिला इस वीडियो पर। तो आपको ये देखना हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा इसका लिंक, तो एक बार जाके चेकआउट कर लेना। इस वीडियो में थोड़ी सी यार नॉइस है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ओके, तुम्हारा भाई बहुत जल्दी एक माइक खरीद लेगा, परचेस कर लेगा, जिससे फिर नॉइस नहीं आएगी अपनी वीडियो में। तो चलिए आज की कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भाई आपको क्या कर लेना है, आपको 3D लूट ऐप को आपको ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलने के बाद आपको ओपन गैलरी पर टैप कर लेना है, ये सीधे आपके गैलरी में ओपन हो जाएगा। तो ऐसा आपको क्या कर लेना है, आपको एक फोटो सेलेक्ट कर लेनी है जो आपको एडिट करनी हो। तो मैं ये वाला फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने थंबनेल में लगाया था। तो इसके बाद आपको क्या कर लेना है, आपको ब्राइटनेस पर क्लिक कर लेना है और आपको ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है +32 और कॉन्ट्रास्ट पर आपको क्लिक कर लेना है और कॉन्ट्रास्ट को आपको कर लेना है +8। इतना हो जाना है, वो 3 पर आपको क्लिक कर लेना है। 3 पर क्लिक करने के बाद आपको 3 को आपको इसे कर लेना है +4। सेचुरेशन पर आपको फिर टैप कर लेना है। टैप करने के बाद आपको इसे अभी आपको थोड़ा सा इसे बढ़ा लेना है +29। फिर इसके बाद आपको क्या कर लेना है, आपको लूट वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको टैप कर लेना है। टैप करने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें टूल्स मिल जाएंगे। आपको ये दिख रहा होगा आपको लूट हैश लूट टैक्स, तो आपको इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ओके ओपन हो जाने के बाद आपको क्या कर लेना है, ओपन हो जाने के बाद आपको थर्ड वाला आपको हाई शटर दिख रहा होगा तो आपको इस पर आपको टैप कर लेना है। टैप करने के बाद आपको ये इस तरीके से फिल्टर ओपन होंगे तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते जाने के बाद आपको 3 डॉट और मोर पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा लोडिंग होगा, लोडिंग हो जाने के बाद आपको फिर से मोर पर क्लिक कर लेना है। ओके, आपको ये ध्यान रखना है आपको नेट ऑन रखना है तभी आपका ये वर्क करेगा। फिर यार बोलोगे भाई वर्क नहीं कर रहा, तो आपको नेट ऑन रखना है फिर आपके ये टूल वर्क करेगा। फिर आपको क्या कर लेना है, आपको स्वाइप करते जाना है, फिर आपको ये वाला टूल दिखेगा 2 स्टेप 2, तो आप टैप कर लेना। तो टैप आपके जस्ट 1 क्लिक में आपके ये कलर बैकग्राउंड टोन इफेक्ट आ जाएगा। तो देख लीजिए काफ़ी मतलब अमेजिंग तरीके से बिना मेहनत के ये कलर टोन इफेक्ट अपने फोटो में आ गया है। फिर आपको क्या कर लेना है, आपको इसे राइट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको सेव टू गैलरी कर लेना है। सेव टू गैलरी करने के बाद मैं आगे बताता हूँ आपको। ओके, तो भाई फोटो सेव हो जाने के बाद आपको क्या कर लेना है, आपको इसे शेयर पर टैप कर लेना है। शेयर पर टैप करने के बाद आपको इसे शेयर कर लेना है PicsArt ऐप पर। PicsArt ऐप पर शेयर हो जाने के बाद आपको क्या कर लेना है, आपको एड फोटो पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से मैं एक PNG सिलेक्ट करूँगा जो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन लिंक में, तो वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर लेना तो ये आपको मिल जाएगी। फिर आपको क्या कर लेना है, आपको इसे जहाँ आपके फोटो पर सही लगे वहाँ पर आपको इसे ऐड कर लेना है। तो मुझे इस तरीके से मैं ऐड कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर काफ़ी मतलब सही लग रहा है ये PNG, तो काफ़ी मतलब अमेजिंग लग रहा है, तो मैं यहाँ पर इसे सेट कर लेता हूँ। ओके, इतना हो जाने के बाद आपको इसे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपको टूल्स पर क्लिक कर लेना है, फिर एडजस्ट पर क्लिक कर लेना है। एडजस्ट पर आपको क्या कर लेना है, आपको इसे बढ़ा लेना है 4 और कॉन्ट्रास्ट को आपको क्या कर लेना है, ऐसा कर लेना है आपको -3, क्लैरिटी को आपको इसे बढ़ा लेना है +28 और सेचुरेशन को आपको क्या कर लेना है, इसे आपको बढ़ा लेना है 19 और फिर आपको हाईलाइट पर क्लिक कर लेना है, हाईलाइट को आपको इसे थोड़ा सा बढ़ा लेना है +6 और फिर आपको शेडो पर क्लिक कर लेना है, शेडो को आपको क्या कर लेना है, आपको इसे बढ़ा लेना है 10। तो आप देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग फोटो एडिट हो चुका है। ओके, तो कैसा लगा आज का ट्यूटोरियल, आई होप आपको मस्त लगा होगा। यार मस्त लगा होगा तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और कॉमेंट में बताना आपको और ट्यूटोरियल किस पर चाहिए, तो मैं उस पर आपको बनाकर दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।